दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदले। आने वाले खूबसूरत कल की खातिर बीते हुए कल को दफनाना ही होगा। तीन बेहतरीन सलाह, सोचो मत शुरुआत करो, वादा मत करो साबित करो, और बताओ मत करके दिखाओ। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है, तुमने जिसको देखा है वो हटकर भी हो सकता है। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। चालाकी करनी नहीं आती मुझे, मगर समझ सब आता है। ना रख किसी से उम्मीद ऐ दिल, सबकी अपनी भी एक दुनिया होती है। दहशत आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार भी रखते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सुख को खो देना बहुत आसान है, लेकिन दुखों से बचना बहुत मुश्किल है। आप मर्यादा में रहिए, हम आपके पैरों में सम्मान बिछा देंगे। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव होता है। स्वाभिमान से समझौता यानी पहचान की समाप्ति। प्यार तब नहीं होता जब आप चाहते हो, प्यार तब हो जाता है जब आप किसी में खुद को ढूंढ लेते हो। जब तक सही इंसान ना मिल जाए तब तक अकेला रहना सबसे बेहतर है। छोटी सोच का इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो नकारात्मक और बुरे लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंको। जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उस शख्स के आंगन में अंधेरा भी बहुत है। जिंदगी के बड़े फैसले आराम से बैठकर नहीं, बेचैनी से फूट फूट कर रोते हुए पलों में लिए जाते हैं। बिना किसी आस या उम्मीद के जीना मरने के बराबर ही है। सदा उनके कर्जदार रहिए जनाब, जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखते। अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक बनता है। लोगों की बातों से पता चल जाता है रिश्ते प्यार से नहीं पैसों से चलते हैं। प्रेम करना आसान नहीं है जनाब, दिल जज्बात ख्वाब रिश्ते सब दांव पर लग जाते हैं। आजकल लोग एहसास नहीं करते, एहसान करते हैं जनाब। सुकून भी अगर ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। दिलों के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं लहजे में होती है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो सुकून से। इतना भी सही नहीं नियत का सही होना। यहां पर जो भी है सब थोड़े थोड़े बुरे ही हैं। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के हजारों इंसान हैं। गुजरते दिनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। खामोशियों की गूंज बड़ी गहरी होती है, पत्थर तो क्या दिल भी चीर देती है। जिंदगी जब भी लगा कि तुम्हें पढ़ लिया, तुमने एक और नया पन्ना खोल दिया। जिंदगी की ये कैसी दौड़ है, रिश्तों के मतलब तो नहीं रहे पर मतलब के रिश्ते बहुत हैं। जब तक ना लगे जिंदगी में ठोकर, हर एक को अपने फैसले पर गुरूर होता है। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। जिंदगी की जंग नफरत से नहीं मोहब्बत से जीती जाती है। चलो मान लिया कि कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, पर सिर्फ सांसें चलना ही जिंदगी तो नहीं। हादसे दिल पर कुछ ऐसे गुजर गए, हम समंदर से भी गहरे हो गए। कुछ वक्त और बनी रहती तो अच्छा होता। दिलकश बड़ी थी अपनेपन की वो गलत फहमियां। बहते पानी की तरह फितरत है इश्क की,
रुकता नहीं, थकता नहीं, थमता नहीं और कभी मिलता भी नहीं। कहानी वही है, बस किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहे हैं। छाता और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ हैं। रूह का बोझ बन बैठे हैं कुछ ख्वाब, टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। कितना कुछ छूट जाता है बहुत कुछ समेटने के बाद भी। ख्वाहिश ये है कि परिंदा हो जाओ, बस ज़रूरतें पंख काटना बंद कर दो। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वो क्या गवां बैठे। समय का खेल भी क्या निराला है, भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। वाक्य अनगिनत हैं जिंदगी के, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से समझ आती है। कभी कभी हजार तसल्लियों और लाख दिलासों से बढ़कर सिर्फ तीन लफ्ज हौसला देते हैं, मैं हूं ना। बेईमान शब्द में ईमान है, लेकिन अपने मायने से बेईमान है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना, कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगली व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में जुबां ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं।